गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थान को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से आजाद भारत के लिए विकास का सपना समझा। आजादी के 75 साल के बाद भी देश की 70% ग्रामीण आबादी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर, समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड के गंगापुर पंचायत में, जहां विजय कुमार राय जी यहां के वर्तमान मुखिया हैं और हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला है। इन्होंने यहां उत्कृष्ट काम किया है और इनके सपने हैं, ये कहते हैं कि पिछली कामयाबियां लाजवाब हैं, आँखों में एक नया ख्वाब है और आने वाले वक्त की तो बात ही कुछ और है। अपने पंचायत को यह एक आदर्श पंचायत बनाने के बाद आदर्श पंचायत के रूप में हमेशा रखना चाहते हैं। विजय कुमार राय जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली, कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा बात था, किसके वो विचार थे जिस वजह से आपने अपने जीवन में राजनीति में आकर समाज सेवा और जनसेवा करने का सपना देखा। सबसे पहले मैं 2001 में, मेरे पिताजी जब रिटायर होकर आए थे गंगापुर चौक पर, मेरा दुकान था, तो उस समय 23 यानी कि 42 साल के बाद या 23 साल के बाद, मेरे कन्फर्म नहीं, उस समय में बच्चे होंगे हम, तो पंचायती चुनाव हुआ, उसमें मेरे पिताजी क्या मैं उम्मीदवार हूँ, उनका चिन्ह मिला था बहुत अच्छा, और उस समय भी 19 उम्मीदवार था और उसमें से भी वह सबसे विजय हुए थे। और वहीं से मेरा जो है गंगापुर की जनता को सेवा करने का मौका मिला था और मैं निस्वार्थ भाव से वहीं से मैं राजनीतिक में शुरुआत किया हूँ। उसके बाद 5 साल क्रियाकलाप उनका चला और मैं वहीं से गंगापुर की जनता को मैं सेवा में लग गया। उसके बाद मेरा पंचायत आरक्षण हो गया, फिर मैं आरक्षण के दौर में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसमें उसके बाद मैं उप मुखिया बना और फिर मैं 5 साल भी जनता के सेवा में मैं हाजिर रहा। उसके बाद मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद के चुनाव में मैं हार गया, फिर भी मैं जनता से दूर नहीं हुआ, जनता से मेरा लगाव बनते रहा और आगे का मैं कार्य दुख सुख में जनता के बीच में रहता रहा। उसके बाद जब 2016 में जब आरक्षण टूटा तो फिर मैं गंगापुर की जनता हमें मौका दिया 5 साल सेवा करने का और उस समय भी 19 उम्मीदवार थे 1916 में, उस समय में मेरा रोड रोलर छाप था और जनता हमें बहुत विश्वास किया क्योंकि मैंने पहले 15 साल मैं जनता के बीच में रहा, चाहे कोई पोस्ट पर मैं रहा या न रहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, मैंने निस्वार्थ भाव से जनता को सेवा करना और जनता का सेवा ही सबसे बड़ी मेरी राजनीतिक है और राजनीतिक ही मेरी सबसे बड़ा खेल। जन सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए माननीय नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल गली नली और भी कई योजनाएं, उन ग्रामीण भारत को समृद्ध करने का एक प्रोग्राम था जो बड़े हर्षोल्लास के साथ 2016 में आपके कार्यकाल के साथ ही शुरू हुआ था। आपने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, आगे उनके सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए सर, सबसे पहले कोरोना काल में जो आधा अधूरा काम बच गया है नल जल में, नल नल बल तो काम पूरा हो ही गया और माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी आए हुए थे जो हम लोग को अभी शिक्षा मंत्री हैं और नल जल को काम भी वह देखें और माननीय 7 निश्चय का जो योजना है नल जल का, ये मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। इस दौर में डीएम साहब के साथ हम लोग को मुलाकात हुई थी तो 2-3 मुखिया हम लोग गए हुए थे तो उसमें बोले जी इस नल जल का योजना जो है वो सुचारू रूप से कैसे चलाया जाएगा, इसका विधिवत कैसे ठीक ठाक रहेगा समझे, तो उसमें हम लोग आपस में विचार विमर्श करके दिए जो हर पंचायत में अनुरक्षक का बहाली तो हो ही गया है, एक प्लम्बर ग्रुप बनाया जाए और प्लम्बर ग्रुप एक मिस्त्री प्रत्येक पंचायत में दिया जाए, उसका जो भी मेंटेनेंस खर्चा जो आ रहा है सरकार की तरफ से उसको इन्वेस्ट किया जाए
और इन्वेस्ट करके उसको जो एक मिस्त्री रहेगा वह अपना स्तर से देख रेख करेगा, क्योंकि यह नया योजना है, कहीं पाइप फूटेगा, कहीं पानी लीक होगा, कहीं नल फिल लगेगा। तो वह मैंने अपना पंचायत में सबसे पूरा बिहार में अगर सबसे पहला पंचायत मेरा होगा तो वह गंगापुर पंचायत है, जो इस योजना को प्लम्बर ग्रुप का जो बहाली करवाए हैं, और DM साहब अपना स्तर से, उसमें BDO साहब गंगा बाबू भी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। और मैं इसका जो है उद्घाटन करवाया था ग्राम पंचायत पर, उसमें माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी आए हुए थे उद्घाटन समारोह में। और प्लम्बर और DM साहब अपना स्तर से जो प्लम्बर को जो होता है मटेरियल वगैरह टूल्स वगैरह समझे टूल किट, हाँ टूल किट, वह उपलब्ध जिला से करवाए हैं। बहुत अच्छा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं आई, रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देना था जिससे पलायन को रोका जा सके। इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन आपके द्वारा कैसा रहा? 2016 में जब मैं मुखिया बना था तो उसी समय मैंने निजी और सरकारी जमीन में 110 यूनिट और उसे 200 से गुना कर दीजिए, उतना मैंने पेड़ सबसे पहले ही लगवाया था। और उसको मैं 5 साल तक 1400 रुपया प्रति महीना उसको मैं भेजता रहा। उसके बाद नेक्स्ट अभी 80 यूनिट फिर हम लगवाए हैं निजी में सरकारी में। सबसे पहले जो है मैं वृक्षारोपण का ही काम करवाया था, शौचालय का भी काम करवाया था। यह पंचायत ODF भी है ना? ये मेरा पंचायत ODF भी हो चुका है और ODF का कार्यक्रम भी हम लोग करवाए थे और बेहतरीन ढंग से काम करवाए थे हम लोग। यहाँ 2700 परिवार ऐसा है जिसको 12,000 रुपया प्रति। आगे मनरेगा जैसी योजनाओं को और क्या सपने हैं इस कार्यकाल में? मनरेगा में कुछ बड़ा किसानों के लिए जल निकासी को लेकर? मनरेगा योजना तो है, सब ठीक ठाक है, लेकिन इतना ना कम रेट है उसका, 177 रुपया, 195 रुपया अभी लेटेस्ट में हुआ है। कोई मजदूर उतना में काम करना चाहता नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में अगर मिलूंगा तो कहूंगा जो इसका जो है लेबर और मजदूरी और मिस्त्री का चार्ज है, कम से कम इसको बढ़ाया जाए और बढ़ाव का एक संतोषजनक रेट इसको तय किया जाए ताकि मजदूर सही ढंग से उसमें काम कर सके। और ये जो मनरेगा का जो है ठीक है, खाता में 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना पर पैसा जाता है, इसको रेगुलर किया जाए। आवाज़ बंद करो। अभी गरीब मजदूर अभी गरीब मजदूर जो डेली काम करता है और इसको डेली पैसा चाहिए, और उसको पैसा जो नहीं 2 दिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर तीसरा दिन से मजदूरी काम करने के लिए नहीं आएगा। ठीक, समस्या है, सरकार को इस पर विचार, एक कमेटी भी बनी है जो इस मजदूरी को बढ़ाने को लेकर, मिनिमम वेजेस रेट को लेकर काम कर रही है। देखते हैं कब तक होता है, सरकार का काम थोड़ा उसी हिसाब से होता है। इसके अलावा आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं, उन युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से क्या जोड़ने की योजना है? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार के अवसरों को मुद्रा योजना से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, ज्वाइंट लाइब्रेटरी ग्रुप बनाकर आपने तो काफ़ी काम किया है, इस कार्यकाल में क्या योजना है? देखिए, सरकार मुद्रा लोन तो दे रहा है लेकिन बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। अभी जो बेरोजगार लड़के लोग सब इधर उधर जो बउआ रहे हैं वह बैंक के वजह से ही उस सब का मामला फंस रहा है, समझे। अगर वह इसमें अगर सरकार अगर संशोधन करती है, बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े, तो छोटा छोटा उद्योग लगा के इस पर रोजगार मुहैया हो सकता है। आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए भी बापू कहा करते थे कि ग्रामीण भारत में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार के अवसर जब होंगे तो ग्रामीण महिलाएं भी उस स्वरोजगार के अवसरों से जुड़ेंगी तो भारत बढ़ेगा, भारत एक विकसित देश जल्दी हो जाएगा। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या योजना है अगले कार्यकाल में? महिलाओं के लिए तो ये सिलाई कढ़ाई का योजना है, लघु उद्योग है जैसे पापड़ बनाने का है, छोटा छोटा उद्योग जो है बस वही ना, उसको इन्वेस्ट यानी राशि चाहिए काम करने के लिए। और राशि कहाँ से आए? अब कोई छोटा छोटा जो आपको समूह वगैरह चला रही है उसमें भी 10,000, 20,000, 25,000 रुपये लेके छोटा छोटा काम कर रहा है, नहीं होता है तो सब्जी मंडी से खरीद के लवाती है, हाट में बेचती है। महिला लोग सब काम करती है, ऐसा नहीं जो महिला लोग सब काम नहीं करती, लेकिन उसका सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाने के कारण जो है सो पीछे में लटक जाती है।
भ्रष्टाचार इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पाया गया है इस देश में, और देश की रैंकिंग भी बहुत कम हो गई है। ऐसे में हम इस भ्रष्टाचार को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, आदमी का सबसे पहले जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोगों को सोच बदलना होगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होने वाला। और ये चाहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे मुखिया जी, सबको भ्रष्टाचार खत्म कर दे, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक जनता को जागरूक नहीं करना पड़ेगा, जागरूक नहीं हो जनता होगा तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है। आपके अपने इस कार्यकाल में वो 5 कौन से काम होंगे जो कोरोना की वजह से प्रभावित हो गया, कोरोना महामारी की वजह से जो विकास प्रभावित हुआ, आप उन सपनों को नहीं पूरा कर पाए जो आप चाहते थे, वो 5 काम कौन से होंगे जो इस कार्यकाल में आप प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो है सो जल निकासी का बहुत बड़ा समस्या है, जल निकासी भी करूँगा और लमसम आज से 10-15 साल से ITI का जो जमीन जो है गंगापुर उस सेल के नाम से वो भी जमीन उपलब्ध है और वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी काम नहीं हो पाया। तो मैं नित्यानंद राय जी से जो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री है उनसे भी मुझे बातचीत हुई है, वो आश्वासन दिए हैं जे आप आइए इसमें मैं बढ़ चढ़ के मदद करूँगा। सबसे पहला मेरा काम वो भी होगा, एक मेरे जो विजन जो 5 काम में जो मेरा विजन जो है वो उसमें भी एक जो ITI कॉलेज गंगापुर में बनना चाहिए, उसमें जितना भी बेरोजगार कम से कम हो उसको रोजगार मुहैया होना चाहिए। और अभी अभी लेटेस्ट में स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, अभी अभी लेटेस्ट में मैंने 8 एकड़ जमीन निकाला हूँ गंगापुर में। अभी अभी लेटेस्ट की बात हम बता रहे हैं, जो पानी की वजह से बरसात के कारण और कोरोना के भी कारण उसमें काम नहीं हो पाया है। जो 2 एकड़ जमीन आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग चालक सेंटर के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, वृद्धा आश्रम के लिए उसी में मिल गया है। और मैं सबसे जर्जर स्थिति हमारा गंगापुर हाई स्कूल का है, लेकिन उसको मैं सौंदर्यीकरण कराने का भी एक प्रयास करूँगा। और मुक्ति धाम उसी के बगल में मैं एक मुक्ति धाम भी बनवाने का, जो लोग जो मर जाते हैं तो इधर उधर जो चले जाते हैं समझे, वो जो दाह संस्कार के लिए हमारा जगह पर्याप्त है वहाँ पर, तो मैं दाह संस्कार करवाने के लिए वहाँ पर एक मुक्ति धाम का योजना बनवाए हैं, जो लाइट वगैरह जो है पोखर वगैरह खुनवा के स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है सो उसमें लगवाएंगे। ये विजय कुमार राय जी गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं, अपने पंचायत को उत्कृष्ट बनाकर उसे उत्कृष्टता बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस संघर्ष में आगे की यात्रा वीडियो टीम के लिए समस्तीपुर।